मूड ऑफ हरियाणा में आज हम नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के लोगों से रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा में आखिर क्या माहौल है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, नारायणगढ़ के हिसाब से क्या लगता है, विकास हुआ है और किस पार्टी को पसंद करती है? बीजेपी सरकार को अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन सी सरकार बनेगी, किसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, आपके यहाँ क्या माहौल देखते हैं? ऐसे तो सारी पार्टियाँ अच्छी हैं, बीजेपी सरकार ठीक है। बीजेपी सरकार ने ज्यादा पसंद आ रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर पार्क में एक्सरसाइज करने आए हैं, क्या कहेंगे? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, नारायणगढ़ के हिसाब से क्या विकास हुआ और किस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आता है? बीजेपी के पक्ष में विकास हुआ है, सबका विकास सबका साथ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत विकास हुआ। चलिए और भी यहाँ पर लोग हैं, चलिए उनका भी रुख करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी एक्सरसाइज करने आए हैं? तो अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, नारायणगढ़ के लिहाज से क्या लगता है, किस पार्टी का दबदबा नजर आता है, माहौल किसके पक्ष में है? जेजेपी बीएसपी का माहौल खुला माहौल है, अब की बार सरकार जेजेपी बीएसपी की ही बनेगी। जेजेपी और बीएसपी का गठबंधन है और इन्हें लगता है कि जेजेपी और बीएसपी का गठबंधन, बाकी लोगों से भी हमें बातचीत करनी है और लोगों का भी रुख करते हैं। जी क्या कहेंगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है तो उस लिहाज से क्या लगता है, क्या माहौल है नारायणगढ़ में? माहौल तो मैम अभी फिलहाल तो चुटाला का लग रहा है, क्योंकि इनेलो पार्टी का इनेलो पार्टी अभी इकट्ठे होने खाप पंचायतें कोशिशें कर रही हैं। इन्हें लगता है कि खाप पंचायतें जो प्रयास कर रही हैं वो सफल होंगे और इनेलो और जेजेपी फिर से एक हो जाएंगी। जी क्या कहेंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, नारायणगढ़ के लिहाज से विकास हुआ, किस पार्टी को पसंद करते हैं? हाँ जी ठीक है। किस पार्टी को पसंद करते हैं? हाँ जी, ये इन्हें सुनाई कम देता है। जी क्या कहेंगे बताइए, नारायणगढ़ विधानसभा में अगर अब बात की जाए आज के माहौल की तो क्या लगता है, किस पार्टी के पक्ष माहौल है? मैडम हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हाँ कांग्रेस में, इनके कांग्रेस में भरोसा जता रहे हैं, क्या कहेंगे आप, किस पार्टी के पक्ष माहौल नजर आता है? कांग्रेस पार्टी का जोर है जी, आपकी बार दो जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का जोर है, जो रियलिटी बात है। तो कुछ को लगता है कि कांग्रेस और कुछ को लगता है कि बीजेपी पर फिर से विश्वास दिखा रहे हैं, क्या लगता है नारायणगढ़ विधानसभा के लिहाज से किस पार्टी में लोग ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? अभी तो जी बीजेपी के नजर आता है हिसाब किताब तो जी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी और जेजेपी का टक्कर है, बीजेपी और जेजेपी की टक्कर है। आप क्या कहेंगे इस विधानसभा के लिहाज से? कांग्रेस। कांग्रेस, आप क्या राय रखते हैं? यहाँ तो एंटी कम्युनिस्ट बीजेपी है, यहाँ के विधायक जो थे, जो राज्य मंत्री थे, उसने इस क्षेत्र का बिल्कुल नाश कर दिया और आज ये हाल है। जहाँ आप घूम रहे हैं ये पार्क देखिए, जिसमें लाखों रुपया खर्च है, क्या घास वो हो रहा है यहाँ। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये आरोप लगा रहे हैं जी, राजनीति दबाव है एक केवल, तो यहाँ तो बिल्कुल अगर आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी की जमानत जब्त। आप क्या कहेंगे नारायणगढ़ विधानसभा के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? यहाँ पे बीएसपी और जेजेपी गठबंधन जो हुआ, इंडियन लोकदल का भी साथ में होने वाला है, तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा जेजेपी बीजेपी के, तो यहाँ जमानत जब्त होगी। इन्हें लगता है कि गठबंधन जो कि जेजेपी और बीएसपी के बीच में है और इन्हें आसार नजर आते हैं कि इनेलो का भी गठबंधन होगा और उसके बाद गठबंधन कमाल दिखाएगा। आप क्या कहेंगे नारायणगढ़ की अगर बात की जाए तो किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? यहाँ तो बीजेपी का माहौल लगता है क्योंकि उसी का ही। चलिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार में लोग एक बार फिर से विश्वास दिखाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नारायणगढ़ विधानसभा में बदलाव की दरकार है। आप क्या कहेंगे नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का। यहाँ खाली एक आदमी का ही विकास होया नारायणगढ़ में, वो नैब सैनी का होया, इसने यहाँ इतना लूट सोट कर दी ना, बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे, 20 दिन का एवरेज आ रही और मर्डर हो रहा, खनन माफिया, ये सब खनन माफिया से जुड़े हैं। मौजूदा सरकार पर काफी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और लोगों का रुख करते हैं। जी क्या कहेंगे आप, किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? मैम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष तो छोड़ो आप, किसी भी आम जनता का विकास नहीं हुआ, जो केवल हुआ है तो मंत्री नैब सैनी का हुआ है, तो हम अब की बार अपने विधायक से ये खुश नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनका रुख करते हैं। जी क्या लगता है नारायणगढ़ विधानसभा में किस पार्टी के पक्ष माहौल है? अभी तो देखिए नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं, पर फिलहाल तो बसपा और जो जेजेपी का गठबंधन हुआ है उसकी अच्छी पकड़ है। बीएसपी और जेजेपी के गठबंधन पर भरोसा जता रहे हैं, क्या कहेंगे आप, आपके हलके की अगर बात की जाए, चुनाव अब सिर पर हैं, इस विधानसभा के लिहाज से कितना विकास हुआ है, किस पार्टी को पसंद करते हैं? अभी मैडम बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, आप माइनिंग की बात देख लो, आप ओवरलोडिंग वाहनों की देख लो, सरकारी अस्पताल की बात देख लो। किस पार्टी के पक्ष में?
जेजेपी बसपा गठबंधन के। तो ये जेजेपी और बसपा के गठबंधन को पसंद करते हैं और इन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार ने कोई विकास किया नहीं है और उस लिहाज से ये बदलाव की दरकार रखते हैं। जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर अब बात की जाए हरियाणा की विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, नारायणगढ़ के लिहाज से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनाव में हावी रहेंगे और किस पार्टी को पसंद करते हैं? कोई सा भी ठीक नहीं आ रहा, तो भाई देखा है जसपा बसपा गठबंधन हो गया, ये बहुत बढ़िया जी, राम सिंह कोड़वा जीतागा जी, पक्का जीतागा जी, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें टिकट मिलेगी आपको लगता है? हाँ जी मिलेगी जी, पक्का करना। मुझे लगता है कि जेजेपी और बीएसपी का जो गठबंधन है उस गठबंधन का असर होगा। एक और शख्स यहाँ मौजूद हैं, जी बताइए क्या लगता है नारायणगढ़ विधानसभा के लिहाज से कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और किस पार्टी को पसंद करते हैं? मैडम नारायणगढ़ के अंदर जो पिछले यहाँ से मंत्री भी थे और खनन के मिनिस्टर भी थे नैब सैनी ने बुरा हाल कर दिया नारायणगढ़ का, उनके राज के अंदर दिन दहाड़े मर्डर हुए और अब की बार इस नारायणगढ़ विधानसभा पर जेजेपी का प्रत्याशी फुल मेजोरिटी में जीतेगा और किसी से भी मतलब सबसे ज़्यादा इस टाइम जो चर्चा है जेजेपी प्रत्याशी की है और उसके अंदर हमारा प्रत्याशी ही सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। तो चलिए जेजेपी के ये पक्षकार हैं और इन्हें लगता है कि अब अगर बात की जाए नारायणगढ़ विधानसभा की, जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो इन विधानसभा इलेक्शन में छाए रहेंगे और उस लिहाज से इन्हें लगता है कि बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो विकास नहीं करवा पाई जिस विकास की दरकार थी। आप एक्सरसाइज करने आए हैं? जी। हर दिन आते हैं? हाँ आते हैं। तो अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, नारायणगढ़ की अगर बात की जाए किस पार्टी को लोग पसंद करते हैं और क्यों? भाई जो बीजेपी है वो पार्टी सही है, काम अच्छी कर रही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि खनन माफिया जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं बीजेपी के राज में, अपराध बढ़ गया है बीजेपी के राज में, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं अपराध बढ़े हैं, जो काम हो रहा है सही हो रहा है, विकास हुआ है, विकास हो रहा है सर। तो इन्हें लगता है कि काफी विकास हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या राय रखते हैं। रुके भाई साहब बताइए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, नारायणगढ़ विधानसभा के लिहाज से क्या लगता है किस पार्टी का ज्यादा इस वक्त दबदबा है, किस पार्टी को लोग पसंद करते हैं? चाहे पिछली बार तो चाहे मोदी का इलेक्शन था जी, मोदी के चक्कर में जी जीत गए जी नायब सीनियर जी, इवी ज्यादा सेकंड नंबर पर तो अपने राम सिंह कोड़वे रहे थे, बीएसपी पे गठबंधन था जी, इवी के बाद जेजेपी के साथ हो गया जी, तो कन्फर्म है टिकट भी कन्फर्म है, जीतता गया कन्फर्म है। तो कुछ और लोग मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस पार्क की बात करता हूँ, मैं उस समय चेयरमैन था 25/6/2011 को जब हमने इस पार्क का उद्घाटन किया था। इस पार्क को बनाने के लिए हमने बहुत अहम भूमिका अदा की थी, मगर आज ये पार्क इन्होंने बदहाल कर दी। तो इनका कहना है कि बदहाली का आलम है अगर नारायणगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो, और उस लिहाज से इन्हें लगता है कि आम जनता अब बदलाव चाहती है नारायणगढ़ में। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि नारायणगढ़ विधानसभा के लिहाज से क्या माहौल देखते हैं, किस पार्टी के पक्ष में आपको लगता है कि इन विधानसभा के दौरान माहौल रह सकता है? मैम अभी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? कुछ कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं आप? नहीं मैम अभी। आप भी कुछ नहीं जानते हैं? तो ये हमारे देश के युवा हैं, राजनीति के बारे में कुछ खास जानकारी इन्हें नहीं है। कई लोगों से हम मिले, कई लोगों से रूबरू हुए, तो लोगों को लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है नारायणगढ़ में जब लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मौजूदा सरकार से खुश भी हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कैसा माहौल है? मैं तो बीमार किसी हूं। ये कुछ नहीं कहना चाहती है जी, बताइए क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, नारायणगढ़ में कैसा माहौल है? बीजेपी का सरकार बनेगी जी, पर जो यहाँ नायब सिंह जी थे ना जी, वो तो चले गए कुरुक्षेत्र, उन्होंने झूठ लुटा जी, वो बदनाम है, सरकार बदनाम नहीं है जी। यानी कि अपने पुराने विधायक से जरूर नाराज हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि सरकार फिर से बीजेपी की ही बनेगी। क्या कहते हैं, किस पार्टी पे भरोसा करेंगे एक बार फिर से चुनाव होने वाले? हम बीजेपी पार्टी में भरोसा करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी ही जीतेगी। विकास हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है, नजर आ रहा है धरातल पर विकास। हाँ चलिए और लोगों से बात करेंगे। तो ये सब्जी मंडी है जी, बताइए क्या कहेंगे आप विधानसभा चुनाव के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष में माहौल देखते हैं? किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है जी, हम तो समाजक सेवक है और समाज सेवा में ही विश्वास रखते हैं। चलिए क्या लगता है, आप विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस पार्टी में भरोसा करेंगे? बीजेपी जी। बीजेपी, आप किस पार्टी में भरोसा करें? देखिए जी, हम पार्टी किसी को नहीं मानते, एक्चुअली ये है कि बेरोजगार इन्हें लगता है कि बेरोजगारी जरूर दूर होनी चाहिए जी। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से आपके यहाँ पर किस पार्टी के पक्ष माहौल है? जेजेपी का।
जेजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बाजार है और यहाँ पर काफी भीड़ है, काफी लोग मौजूद हैं, कई लोगों से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं, नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कितना विकास हुआ है, लोगों के मन में अब क्या है। बताएंगे आप, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी पर लोग भरोसा कर रहे हैं और क्यों? कांग्रेस पे। क्यों? क्योंकि नैब सैनी ने कोई यहाँ पे मतलब कोई विकास नहीं किया और थोड़ी करप्शन भी हुई है। करप्शन इनका मुद्दा है और इन्हें लगता है कि करप्शन काफी हुई है। आगे आइए, बताना चाहेंगे, बताइए। अगर अब बात की जाए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी को लोग पसंद करते हैं? ज्यादातर तो वो इसको बीजेपी को ही। बीजेपी को, लेकिन अभी अभी आरोप लगे हैं, कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, उनका भी कहना है कि करप्शन बढ़ा है। आरोप तो लगाते रहते हैं ये पार्टी, दूसरी पार्टी के दूसरे के ऊपर आरोप। तो इनका कहना है कि हर किसी की कोई ना कोई विचारधारा है और लोग कोई ना कोई आरोप लगाते ही रहते हैं। क्या कहेंगे, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? चौटाला की सरकार पसंद करेंगे। चौटाला की सरकार बनेगी, लगता है उनकी सरकार बनेगी? हां जी हां। इनेलो में ये विश्वास जता रहे हैं और इन्हें लगता है कि इनेलो एक बार फिर से सरकार बनाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, रुकिए, कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ये अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक सब्जी विक्रेता है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, नारायणगढ़ में क्या लगता है, किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? बीजेपी। क्यों, विकास हुआ है? विकास हुआ है जी, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ के जो अभी पुराने विधायक थे, जो अब एमपी बन गए, उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार फैलाया है, क्या कहेंगे? नो। आरोप बेबुनियाद करार दे रहे हैं, आम जनता है, सब्जी बेचने का काम करते हैं और कहना है इनका कि बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा कर रहे हैं। जी रुकिए, नारायणगढ़ के रहने वाले हैं ये, यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, तो चलिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर ये सब्जी मंडी है और यहाँ पर नारायणगढ़ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वोट डालने लोग जाएंगे, यहाँ क्या लगता है, किस पार्टी के पक्ष माहौल है? बस मोदी की पाई थी वोट। अच्छा, मोदी की पाई थी, अब फिर से वोट डालने का वक्त तो आ गया, मुख्यमंत्री वाले चुनाव होंगे, किसे वोट देंगे? उसी दे देंगे। अच्छा, फिर से बीजेपी भरोसा करेंगे, आप क्या कहेंगे, बताइए, शर्माने क्या बात है, वोट डालती है ना आप बीजेपी को? क्यों, विकास हुआ है? हाँ जी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अभी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मुझे नहीं पता। इन्हें नहीं पता, आप किसे वोट देना चाहेंगी? अब आने वाले दिनों में चुनाव नजदीक है नारायणगढ़ में, किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? जिस पार्टी को आपका है, ये आपका कोई विचार होगा, वोट तो पहले भी डालती होंगी आप, यो तो आपने सब कुछ पता है ना। इन्हें लगता है कि जो पार्टी सबको पसंद होगी उन्हें पसंद करेंगे। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। वोट डालेंगे पहली बार? डाल ले। किस पार्टी की तरफ लगता है कि रुझान है लोगों का, किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? जेजेपी जी। क्यों? इसलिए अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी है, तो इन्हें लगता है कि जेजेपी भले ही नई पार्टी हो लेकिन अच्छी पार्टी है। बताइए, नारायणगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। तो नारायणगढ़ विधानसभा के लिहाज से क्या लगता है, किस पार्टी के पक्ष माहौल है? हम ना तो बीजेपी के पक्ष में है ना कांग्रेस के पक्ष में है। किसके पक्ष में? तीसरी पार्टी जब आएगी बढ़िया उसके पक्ष में डालेंगे वोट। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी को पसंद नहीं कर रहे और एक तीसरी पार्टी की तलाश कर रहे हैं जिसे ये वोट डाल सके। बताइए, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, नारायणगढ़ में किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान देखते हैं? मैं तो उसकी बीजेपी की पाऊंगा, बीजेपी का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में यहाँ पर खनन माफिया बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। ना, मैं तो बीजेपी की पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये वोट बीजेपी का ही डालेंगे भले ही कितने ही आरोप लग रहे हो मौजूदा सरकार पर। बात करना चाहेंगे? बताइए, नारायणगढ़ में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हरियाणा की बात की जाए तो नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष माहौल नजर आता है? बीजेपी के मैडम। क्यों? यहाँ पे तकरीबन मैडम सब बीजेपी का, जब से लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें जैसे रतनलाल कटारी ने जीत हासिल की है उसके बाद बीजेपी की लहर बन चुकी है हमारे हरियाणा में इधर साइड, और उम्मीद है कि शायद बीजेपी ही द्वारा जीत पाएगी यहाँ से। क्या कहेंगे, क्या लगता है नारायणगढ़ में अब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? नारायणगढ़ में बीजेपी का सारा चुनाव है। बीजेपी पर आरोप बड़े लग रहे हैं कि यहाँ पर खनन माफिया बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार आरोप लगाती हैं, दूसरी पार्टियों का तो आरोप लगाना काम है जी। अच्छा, तुम्हें लगता है कि विरोधियों का काम ही आरोप लगाना है। तो अब विधानसभा चुनाव हरियाणा में नजदीक है, नारायणगढ़ के हिसाब से किस पार्टी के पक्ष में लगता है कि लोग वोट डालेंगे? भाजपा को। क्यों? अच्छा काम, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम किया है? हाँ, ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है अच्छे किए हैं? सारे अच्छे किए हैं, रोडों के किए, सब ये कश्मीर मुद्दे का है, सारा कुछ बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपको कश्मीर जो मुद्दा है उससे प्रभावित है आप, 70 हट दी गई है? अरे काम कर रहा है, बिल्कुल मोदी काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप रुकिए, नारायणगढ़ से हैं,
तो अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ? हम तो जनता पार्टी को करती हैं। किसको? जनता पार्टी को। बीजेपी को क्यों? बस वैसे ही कह रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किस पार्टी को पसंद कर? एक तो हमारी पेंशन लगी लिबाजेंगे। इनकी पेंशन नहीं लगी है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं कि अब इनकी पेंशन मिल जानी चाहिए और आस है इन्हें कि जल्द ही इन्हें पेंशन मिल पाएगी। तो चलिए बाजार में हम मौजूद हैं, कई लोगों से हमने बातचीत की है, एक दुकान है यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं का रुख करेंगे, इन्हीं से बात करने का प्रयास रहेगा। विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष में माहौल देखते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। चुनाव विधानसभा के हैं, लोग बात अभी भी मोदी की कर रहे हैं। हम तो उनके साथ हैं विधानसभा में, यानी कि जो लोकसभा में फैक्टर था मोदी उसी फैक्टर पे। बिल्कुल उसी। आप क्या राय रखते हैं? मोदी जी वही फैक्टर जो लोकसभा में था उसी ही देखेंगे। आप वोट डालते हैं? नारायणगढ़ से हैं जी, तो क्या लगता है अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, नारायणगढ़ में किस पार्टी के पक्ष माहौल है? बीजेपी। बीजेपी के, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं बीजेपी पर कि खनन माफिया यहाँ बढ़ गया है, भ्रष्टाचार है, शुगर मिल ने किसानों के पैसे नहीं दिए, क्या ये जो क्षेत्रीय मुद्दे उन्हें भुला देंगे लोग? हाँ जी, सब भुला देंगे। क्यों? बस ये तो लोगों का है जी, सबका अलग अलग स्वभाव है। तो आपको लगता है जो मोदी फैक्टर था लोकसभा में वही रहेगा? तो मोदी फैक्टर जो लोकसभा में था और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका कहना था कि मोदी फैक्टर विधानसभा में काम नहीं आएगा। रुकिए सर, नारायणगढ़ के हैं आप? रुकिए, नारायणगढ़ से हैं? चुनाव अब दूर नहीं है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल देखते हैं? देखो किसके में जाते हैं, मोदी के पक्ष में वैसे ज्यादा, मोदी के पक्ष में। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं यहाँ की बीजेपी सरकार पर, अगर हरियाणा की बात की जाए और अगर नारायणगढ़ की स्पेशली बात की जाए, कि खनन काफी बढ़ गया, भ्रष्टाचार है, किसानों के पैसे शुगर मिल ने दिए नहीं, ये मुद्दे नहीं नजर आएंगे? ये तो कोई भी सरकार आ जाए ऐसे चलता है, कोई भी सरकार आ जाए मुद्दे एक जैसे ही होते हैं। और इन्हें ये लगता है कि भले ही मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन वो जो एक फैक्टर था मोदी का वो एक बार फिर से काम करेगा। जी बताइए, अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष में माहौल? भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जो दफा 370 और 35 खत्म करने का काम किया, 70 साल पुरानी जो एक बहुत बड़ी समस्या का हल स्थायी समाधान किया पार्टी ने, और जितना सबका साथ सबका विकास लेके नरेंद्र मोदी जी चले, और नेत्र खट्टर जी अपने हरियाणा में जो कुछ विकास कार्य उन्होंने किए उनको देख, विकास कार्यों से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं और इन्हें लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी पर लोग भरोसा जताएंगे। नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, नारायणगढ़ के, बताइए विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, क्या लगता है किस पार्टी के पक्ष में माहौल देखते हैं? पता नहीं है। पता नहीं है, चलिए इन्हें पता ही नहीं है। तो चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर, जी नारायणगढ़ के रहने वाले हैं आप, चलिए वहाँ पर कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं, ये यहाँ पर हैं। जी बताइए, आप बताइए, नारायणगढ़ के रहने वाले हैं? बेसिकली काफी टाइम से नारायणगढ़ रह रहे हैं। काफी टाइम से रह रहे हैं, क्या काम करते हैं? यही चाबियां काम करते हैं, चाबियां बनाते हैं। तो अब अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, नारायणगढ़ के लिहाज से किस पार्टी के पक्ष में माहौल है? बीजेपी का जी। तो रोजगार मिला? बहुत रोजगार है जी। सबका विकास हुआ? सबका विकास है जी। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के, अगर बात किया विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि किसानों के पैसे शुगर मिल ने दिए नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ गया, खनन माफिया हो गई, क्या सब बहम है? तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लगता है कि सब विरोधियों के आरोप मात्र हैं। आप यहीं से हैं, नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, नारायणगढ़ में किस पार्टी में माहौल देखते हैं? सभी पार्टियां ठीक है जी, जैसी हैं। आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं? नहीं, नापसंद करने वाली तो बात नहीं है, सभी। मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव? मुद्दे यही, सभी बेसिक मुद्दे वही हैं, सभी प्रकार के वही मुद्दे हैं, पुराने मुद्दे हैं, बाकी इस सरकार ने अच्छा काम किया है। तो इन्हें लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और एक बार फिर से इसी सरकार पर भरोसा जताने का काम कर सकते हैं। आप नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, तो अब चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, क्या लगता है नारायणगढ़ में किस पार्टी की तरफ माहौल बनता नजर आ रहा है? सरकार। क्यों? क्योंकि काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने सेंटर में, कि काम अच्छे किए हैं सेंटर में, जो काम हुए उन्हें देख के। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने सारे काम बढ़िया किया जी, आज तक जो कर रहे हैं अब भी बढ़िया किया, आगे भी बढ़िया करेगी। आप क्या कहेंगे? मैं भी ठीक कहूँगा, बीजेपी ने काम ठीक किया, पर खनन माफिया ज्यादा है मैडम यहाँ। इनका कहना है कि खनन माफिया को जरूर बढ़ावा मिला है, लेकिन काम बीजेपी ने अच्छे किए हैं, खनन माफिया से लोग काफी नाराज हैं। लोगों का आरोप कह लीजिए, मुद्दा कह लीजिए, इस विधानसभा में सिर्फ एक ही मुद्दा है जो निकल कर सामने आया है। जी नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। जी, हाँ जी। तो इस विधानसभा के लिहाज से बात की जाए, तो आने वाले चुनाव के हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो हावी रह सकते हैं और किस पार्टी के पक्ष माहौल देखते हैं? मैडम विकास का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पर,
ये मुद्दे हैं और किस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आता है? मैडम, सबसे बेस्ट यहाँ पे जो विधायक पद का और पहले भी विधायक रहे हैं भाई रामकिशन जी, उनसे बढ़िया विधायक कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जितने भी विकास कार्य हों, नारायणगढ़ की जितनी भी ये 4 लाइन देख रहे हो, ये भाई रामकृष्ण की देन है। जितनी भी सड़कें या नारायणगढ़ के जितने भी गांव गली में इंटरलॉकिंग टाइलें, सारे भाई रामकृष्ण। तो इन्हें लगता है कि विकास हुआ है, नहीं हुआ है? अब चुनाव होने वाले हैं, कुछ बात करना चाहेंगी? तो किस पार्टी के पक्ष में आपको यहाँ माहौल नजर आता है? किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? हम तो मोदी ना कर रहे जी। मोदी को पसंद कर रहे हैं, क्यों? ठीक काम कर रहा जी। इन्हें लगता है कि मोदी ठीक काम कर रहे हैं। चुनाव भले ही विधानसभा का हो, लेकिन अभी भी लोग सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा देकर वोट डालने की बात कर रहे हैं। विधानसभा के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब भी नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नारायणगढ़ के लिहाज से क्या लगता है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आता है? अभी तो जनता पार्टी का ही आ रहा जी, बीजेपी का है। बीजेपी पर आरोप भी लगे हैं कि यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। पता नहीं तो लोग भ्रष्टाचार है या नहीं है, क्या लगता है? हमें तो कुछ लगता नहीं। आप क्या कहेंगे, अगर आप कुछ बात करना चाहेंगे? तो जिस तरीके से अब इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, तो क्या लगता है किस पार्टी के पक्ष में माहौल देखते हैं और क्यों? जो माहौल है लगता तो ऐसा ही कि बीजेपी सरकार ही आएगी, पर जैसे उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ, अभी चल रहा है, करप्शन तो चल रही है अभी भी, बट देखते हैं क्या बनता है अभी। तो कई लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है, नारायणगढ़ के बाजार में हम आए, कई लोगों से रूबरू हुए। कई लोगों को लगता है कि बीजेपी के राज में काम भले ही उतने ना हुए, विकास भले ही उतने ना हुए, मोदी का चेहरा देखकर, प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें, राष्ट्रीय स्तर पर कहें, जो मुद्दे हैं उन्हें देखकर एक बार फिर विधानसभा में भी वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अब हरियाणा को एक बदलाव की जरूरत है। कुछ कांग्रेस का साथ देते नजर आते हैं, कुछ जेजेपी जो कि नई पार्टी है उसे भी पसंद कर रहे हैं। इनेलो के पक्ष में भी कई लोग हमारे सामने आए हैं और फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा में, फिर पहुंचेंगे। और मूड ऑफ हरियाणा में जानने का प्रयास हमेशा यही रहता है कि आखिर जनता क्या सोचती है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल है। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।